भारत से लगातार चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इस साल भारतीय चीनी मिलों ने रिकॉर्ड 72,03,000 टन का निर्यात किया है। चीनी कारोबार से जुड़ी इकाइयों के संगठन अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ ने इस बात की जानकारी दी है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। एस्ता ने कहा है कि चीनी मिलों ने 30 सितंबर को समाप्त मार्केटिंग ईयर 2020-21 में अनुमानित रूप से रिकॉर्ड 72.3 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इसमें सबसे ज्यादा निर्यात इंडोनेशिया को किया गया। एस्ता ने कहा है कि मार्केटिंग ईयर 2020-21 अक्टूबर से सितंबर में कुल निर्यात में से 70.6 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है, जबकि लगभग 1,66,335 टन चीनी की लदान की जा रही है। एस्ता के अनुसार मार्केटिंग ईयर 2020-21 में लगभग 60 लाख टन चीनी सरकारी सब्सिडी के साथ और 7,85,000 टन बिना सब्सिडी के निर्यात की गई थी। और एक बयान में ये भी कहा गया है कि इंडोनेशिया को अधिकतम निर्यात 18,02,000 टन, उसके बाद अफगानिस्तान को 6,69,585 टन और यूएई को 5,24,064 टन और सोमलिया को 4,11,944 टन का निर्यात किया गया है। एस्ता की माने तो मार्केटिंग ईयर 2021-22 में अब तक लगभग 15 लाख टन के निर्यात सौदे हुए हैं। कई चीनी मिलों ने आगामी सत्र में निर्यात के लिए वायदा अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसलिए ये माना जाता है और अपेक्षित है कि भारतीय चीनी मिलें इस अवसर का लाभ उठाएंगी और अगले सत्र में भी 60 लाख टन तक चीनी का निर्यात करने की स्थिति में होंगी। इसके अलावा थाईलैंड में चीनी उत्पादन अपने पिछले वर्षों की तुलना में अगले सत्र में बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन फिर भी वो अपने सामान्य उत्पादन 1.4 से 1.45 करोड़ टन के लगभग 30 से 35 लाख टन कम ही होगा। थाईलैंड की चीनी जनवरी 2022 के बाद ही भारत में आएगी और ब्राजील में उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण नए सत्र में विश्व बाजार में चीनी की कमी की संभावना को देखते हुए इसकी वैश्विक कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। इसका फायदा भारतीय चीनी मिलों को मिल सकता है। अगले कुछ महीनों में जनवरी 2022 तक और उसके बाद अप्रैल 2022 तक ब्राजील की चीनी बाजार में आने से पहले अपनी अधिशेष चीनी का निर्यात करने का अच्छा अवसर पा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।